सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त एक और बड़ी बेहद दर्दनाक ताज़ा खबर सामने आ रही है। पहली बार तीन ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, इसके बाद इन सभी के इंजन चकनाचूर हो जाते हैं। यही नहीं, इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है, रेलवे कर्मचारियों में भगदड़ मच जाती है। चलिए कि आप पूरा मामला देंगे इस खबर के बारे में आपकी संपूर्ण जानकारी विस्तार से। दरअसल बताया जा रहा है, यह घटना बिलासपुर रेल मंडल के सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर घटी है, जहाँ पर पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी और बिलासपुर से एक दूसरी मालगाड़ी आती है। तेज़ रफ्तार से आ रही मालगाड़ी सिग्नल को तोड़ देती है और दोस्तों ज़बरदस्त वहाँ पर कड़ी मालगाड़ी से टकरा जाती है। टकराने के बाद उन सभी के इंजन चकनाचूर हो जाते हैं और दोस्तों डिब्बे हैं जो उछड़ जाते हैं। यही नहीं, इन दोनों रेलगाड़ियों के बगल से एक और मालगाड़ी गुजर रही थी, उन सभी के टकराने के बाद डिब्बे इस दूसरी मालगाड़ी पर जा गिरते हैं। तो दस इस मालगाड़ी में भी भयानक हादसा होता है और दोस्तों वहीं एक इंजन में आग लग जाती है। इस बड़ी घटना में ईश्वर का शुक्र है कि ये एक सवारी ट्रेन नहीं थी, वरना बहुत बड़ी घटना होती। दोस्तों बताया जा रहा है, इसके बाद जो इन तीन रेल के जो लोको पायलट हैं, यानी कि जो ट्रेन ड्राइवर हैं, उन सात ट्रेन ड्राइवरों की हालत पूरी तरह गंभीर है। हालांकि अब तक दो की तो मौत भी हो गई है। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे, जो मालगाड़ी सिंह स्टेशन रेलवे पर खड़ी थी, उसमें पीछे की तरफ दो लोको पायलट थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद और दूसरा सहायक लोको पायलट था ऋतुराज था। दोस्तों इन दोनों के ही मौके पर जान चले जाती है। हालांकि ऋतुराज अस्पताल में दम तोड़ देता है, बाकी सभी पांच लोको पायलट के इलाज अभी जारी हैं। इस बड़ी घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। करीब बताया जा रहा है, इस बड़ी घटना के बाद जो रेल पटरियां हैं वो पूरी तरह बाधित हो गई हैं। कई पटरियां हैं जो रेल पटरी उखड़ गई हैं और डिब्बे हैं जो पटरियों पर गिर गए हैं। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। देते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए।